नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 23 अक्टूबर, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में निजी शिक्षण संस्थानों को बड़ी राहत, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के लिए एक साल की छूट। 12वीं पास वालों को मिलता है 4 लाख रुपए तक का लोन। बिहार में गारमेंट इंडस्ट्री को मिलेगा बढ़ावा, उद्योग विभाग ने निवेशक मीट का किया आयोजन, निवेशकों ने दिखाई उत्साह। 4 IAS की ट्रांसफर पोस्टें, गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। अमृत प्रत्यय बने विकास आयुक्त। सभी पंचायतों में कृषि यंत्र बैंक का स्थापित करने की योजना। छोटे और सीमांत किसानों को होगा लाभ, उचित भाड़े पर यंत्र ले सकेंगे किसान। शिक्षक संघ ने छुट्टियों में कटौती पर जताया विरोध, सीएम नीतीश को लिखा पत्र। संघ ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की। इस त्योहारी सीजन ट्रेन से आ रहे हैं घर, तो यात्रा के दौरान कितने वजन का सामान ले जा सकते हैं, तय सीमा से अधिक होने पर लगेगा जुर्माना। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज के बाद टीम का साउथ अफ्रीका दौरा। 8 नवंबर को डरबन में होगा T20 सीरीज का मुकाबला। सूर्य कुमार की कप्तानी में युवा खिलाड़ियों को खेलने का मौका। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारतीय सेना ने तकनीकी प्रवेश योजना के तहत वैकेंसी निकाली है। ये भर्ती कुल 90 पदों के लिए है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 नवंबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए जरूरी है कि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स से 60% अंक के साथ 12वीं पास किया हो, साथ ही जेई मेन्स 2024 में शामिल हुए हों। उम्मीदवारों की आयु सीमा 16 से 19 साल के बीच में होनी चाहिए। उम्मीदवारों का चयन एप्लीकेशन के आधार पर शॉर्टलिस्टेड, फिर इंटरव्यू के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। अब इसी कड़ी में 4 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग की खबर सामने आई है, जिसकी अधिसूचना गृह विभाग द्वारा जारी की गई है, जिसमें विकास आयुक्त IAS अफसर प्रत्यय अमृत बनाए गए हैं। इसके अलावा प्रत्यय अमृत स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग में ACS के अतिरिक्त प्रभार पर ही रहेंगे। मुख्य सचिव आयुक्त चैतन्य प्रसाद बने हैं। पंचायती राज विभाग के ACS मिहिर सिंह को पथ निर्माण विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे यश सिन्हा की। इनका जन्म आज के ही दिन वर्ष 1977 में हुआ था। ये एक भारतीय टेलीविजन अभिनेता हैं, जो कई प्रसिद्ध टीवी शो में नजर आ चुके हैं। इन्हीं में से एक है GTV पर वर्ष 2011-12 में आने वाले शो अफसर बिटिया। यश ने अफसर बिटिया में बबलू सिंह का किरदार निभाया था। इसके अलावा क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी, डोली सजा के, तीन बहुरानियां, हर घर कुछ कहता है और ची और मैं में भी अपनी अहम भूमिका निभा चुके हैं। इसके अलावा बद्रीनाथ की दुल्हनिया फिल्म में भी यश आलोकनाथ बंसल की भूमिका में नजर आ चुके हैं। बीते दिन सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 25 एजेंडों पर मंजूरी दी गई। इस बार दीपावली पर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का तोहफा नहीं मिलेगा। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जैसे बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंतन सेवा संशोधन नियमावली 2024 की स्वीकृति और कृषि विभागीय लिपिक संवर्ग की सेवा शर्त नियमावली का गठन। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत भी नई नियमावली बनाई गई। मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें से BCCI को 7 साल के लिए दीर्घकालीन लीज पर सौंपा जाएगा। इसके साथ ही लखीसराय, जमुई, बांका और अन्य जिलों में विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपए की मंजूरी दी गई है। 10वीं और 12वीं परीक्षा 2025 फॉर्म भरने के लिए अंतिम तारीख बिहार बोर्ड ने बढ़ा दी है। जो छात्र फरवरी 2025 में होने वाली परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, वे अब 28 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं का फॉर्म भरने के लिए secondary.biharboardonline.com और 12वीं के लिए senior secondary.biharboardonline.com पर जाना होगा। इसके अलावा बिहार बोर्ड ने 2026 की मैट्रिक परीक्षा के लिए 9वीं कक्षा के छात्रों के रजिस्ट्रेशन की अवधि भी बढ़ा दी है। विद्यालय के प्रधान अब 29 अक्टूबर 2024 तक 9वीं कक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किसी समस्या के लिए छात्र BSEB हेल्पलाइन नंबर 0612223009 या 0612223274 पर संपर्क कर सकते हैं।
कृषि मंत्री मंगल पांडे ने घोषणा की है कि राज्य की सभी पंचायतों में कृषि यंत्र बैंक स्थापित किए जाएंगे, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 75 प्रकार के कृषि यंत्रों की खरीद पर 186 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। मंत्री ने मीठापुर स्थित कृषि भवन में 39 किसानों को 3.04 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान करने के बाद कहा है कि इस वर्ष 2067 कस्टम हायरिंग सेंटर, 101 फॉर्म मशीनरी बैंक और 115 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है। अब तक 1617 कृषि यंत्र बैंक स्थापित हो चुके हैं, जिसमें किसानों को 40-80% तक अनुदान मिल रहा है। कृषि सचिव ने बताया कि इससे किसानों को उचित भाड़े पर यंत्र उपलब्ध हो रहे हैं। बिहार के ग्राम कचहरियों में 14,000 से अधिक मुकदमे लंबित हैं, जिनमें दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मामले शामिल हैं। 2021-22 से 2023-24 के बीच 8,364 दीवानी और 6,413 फौजदारी मुकदमे लंबित हैं, जिसमें भागलपुर जिले में सबसे अधिक 1,654 मुकदमे हैं। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे इन मुकदमों का 100% निपटारा करें। पिछले 3 वर्षों में 1,30,868 दीवानी और 1,909,118 फौजदारी मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जबकि 1,22,622 दीवानी और 1,02,771 फौजदारी मामलों का निपटारा हुआ है। ग्राम कचहरी का संचालन सरपंच और पंच द्वारा किया जाता है, जिससे मामले सिविल कोर्ट में जाने से बचते हैं। भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी रेरा बिहार जल्द ही ऐसे सर्टिफिकेट अधिकारियों की नियुक्ति करेगा जो बिहार और उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी यानी पीडीआर अधिनियम 1914 से संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगे। ये अधिकारी केवल रेरा के मामलों का निष्पादन करेंगे। इस अधिनियम के तहत प्रमोटरों से बकाया राशि वसूल करने में मदद मिलेगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रेरा को एक पत्र भेजा है, जिसमें इस संबंध में कानूनी सलाह की पुष्टि की गई है। अब तक रेरा ने पीडीआर अधिनियम के तहत 942 मामले जिला प्रशासन को भेजे हैं, जिनमें से अधिकांश पटना जिले से हैं। रेरा बिहार के अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने कहा है कि नए सर्टिफिकेट अधिकारियों की नियुक्ति से मामलों के त्वरित निष्पादन में मदद मिलेगी, जिससे ग्राहकों को लाभ होगा। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती पर विरोध जताया है। महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने बताया कि शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के निर्देशों के बावजूद छुट्टियों में कटौती कर रहा है। उन्होंने हाल ही में रक्षाबंधन जैसी छुट्टियों में कटौती के मुद्दे पर मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी। उन्होंने आग्रह किया कि यदि विभाग शिक्षकों की सेवा और सुविधाओं को समान करना चाहता है तो उन्हें राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त बंधित छुट्टियां भी देनी होंगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 60 दिनों की छुट्टियां निर्धारित हैं, लेकिन विभाग ने इसमें अनावश्यक छेड़छाड़ की है। इससे शिक्षक तनाव में है और पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने इस संवेदनशील मामले में मुख्यमंत्री से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। इस त्योहारी सीजन आप में से कई लोग जो काम या पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहते हैं, वे अपने घर आएंगे। हम में से अधिकतर लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। ऐसे में त्योहारी सीजन में घर आने पर हमारे साथ ढेर सारे सामान भी होते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे हजारों ट्रेनों का संचालन करता है और सफर को सुगम बनाने के लिए कई नियम निर्धारित किए गए हैं। अगर आप भारतीय रेलवे में सफर करते हैं तो ये आपको जानना बेहद ही जरूरी है कि आप कितना वजन के सामान के साथ यात्रा कर सकते हैं। स्लीपर क्लास में अगर आप यात्रा करते हैं तो 40 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकते हैं। थर्ड एसी में भी यही लिमिट है। दूसरी एसी में ये सीमा 50 किलोग्राम तक है, जबकि फर्स्ट एसी में आप 70 किलोग्राम तक का सामान ले जा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा सामान है तो आपको लगेज वैन बुक करानी होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नवंबर में इंटरमीडिएट सेंटर परीक्षा आयोजित करने जा रही है, जिसकी तैयारी मान्यता प्राप्त प्लस टू विद्यालयों में शुरू हो चुकी है। परीक्षा 11 नवंबर से शुरू होगी और इसकी विषयवार सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षा को की तिथियों की जानकारी जल्द ही दे दी जाएगी। केवल 75% उपस्थिति वाले विद्यार्थी सेंटर परीक्षा में शामिल होंगे और उत्तीर्ण विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में भाग ले सकेंगे। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों यानी डीओ को 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। डीओ को गोपनीयता के साथ प्रश्न पत्र सुरक्षित रखना होगा और शिक्षण संस्थानों के प्रधानों को 9 नवंबर तक प्रश्न पत्र सौंपा जाएगा।
परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक न हो इसकी जिम्मेदारी संस्थान के प्रधान की होगी। पटना हाईकोर्ट में पटना गया डोभी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को लेकर दायर लोकहित याचिका पर बीते दिन सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को विस्तृत प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है, जहां एनएचएआई ने अदालत को बताया कि 31 दिसंबर 2024 तक इस मार्ग पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से चालू हो जाएगा। कोर्ट ने अधिवक्ता रूना को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया है, जो इस राजमार्ग का निरीक्षण करेंगे। अगली सुनवाई जनवरी 2025 में होगी। पिछली सुनवाई में एनएचएआई ने बताया था कि पटना के पास लिंक रोड का निर्माण चल रहा है और सभी लेन 30 सितंबर 2024 तक चालू हो जाएंगे। NH-83 के कार्य की प्रगति भी अच्छी बताई गई। पटना में दिसंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर मीट से पहले बिहार उद्योग विभाग ने लुधियाना में एक निवेशक मीट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कई प्रमुख होजरी और गारमेंट कंपनियों के अधिकारी शामिल हुए थे। बिहार के अधिकारियों ने निवेशकों को राज्य के औद्योगिक नीतियों से अवगत करवाया, जिसे निवेशकों ने उत्साह के साथ स्वीकार किया है। उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रियसी ने बताया कि बिहार का निवेश के लिए अनुकूल वातावरण है और सरकार हर संभव सहायता के लिए तैयार है। इसके अलावा बिहार के अधिकारी लुधियाना के मेगा फूड पार्क का दौरा कर खाद्य प्रसंस्करण में विकास के अवसरों का अध्ययन कर रहे हैं। लुधियाना को हौजरी वस्त्र निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। बिहार में निजी शिक्षण संस्थानों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए NAC मान्यता में एक साल की छूट मिली है, जो कि सिर्फ शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए है। ये आदेश बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अपर सचिव सज्जन आर द्वारा जारी की गई है। निजी संस्थानों को NIRF रैंकिंग या NAC ग्रेडिंग की अनिवार्यता को अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिया गया है, जिससे 381 संस्थानों को राहत मिली है। इस योजना के तहत 12वीं पास बिहार के छात्रों को 4 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। लोन का उपयोग तकनीकी शिक्षा, किताबों, स्टेशनरी और फीस के लिए किया जा सकता है। सामान्य छात्रों के लिए 4% और महिलाओं, ट्रांसजेंडरों, विकलांगों के लिए 1% ब्याज दर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र में आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर 2024 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रदर्शनों का निरीक्षण किया। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि बिहार देश का टूरिज्म कैपिटल बन सकता है और केंद्र सरकार इस क्षेत्र में विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि गया, बोधगया, राजगीर और नालंदा के विकास के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। बिहार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि सरकार ने पर्यटन नीति बनाई है, जिससे निवेश के अवसर बढ़ेंगे। उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज ने भी बिहार के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का जिक्र किया है। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम राज्य के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास है। गैर सरकारी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकन के लिए तीसरी चयन सूची बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर मंगलवार को जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जिन आवेदकों को नामांकन के लिए संस्थान आवंटित किया गया है, उन्हें 26 अक्टूबर तक दाखिला लेना होगा। प्रशिक्षण संस्थान को 27 अक्टूबर तक पोर्टल पर लॉगिन करके सीट को अंतिम रूप से अपडेट करना होगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई आवेदक निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं लेता है तो उनका संस्थान आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। पहली और दूसरी सूची में भी कई सीटें रिक्त रह गई थी, जिसके कारण तीसरी चयन सूची जारी की गई है। आजकल धीरे धीरे लोगों के बीच पसंद किया जा रहा है। हाल ही में कंपनी में लाखों नए ग्राहक ट्रैफिक बढ़ने के बाद जुड़े हैं। अब BSNL ने अपना नया लोगो पेश किया है, साथ ही कई नई सेवाएं भी लॉन्च की हैं, खासकर जब वो 5G सेवा की ओर बढ़ रहा है। कंपनी की 4G सेवाएं कुछ सर्किलों में उपलब्ध है और धीरे धीरे देश भर में फैल रही है। नए फीचर्स में स्पैम फ्री नेटवर्क शामिल है, जो अनचाहे संदेशों को ऑटोमेटिकली ही फिल्टर करेगा। BSNL ने नेशनल वाईफाई रोमिंग सर्विस, फाइबर बेस्ड TV सेवा और क्योसिक सुविधा भी शुरू की है, जिससे नए सिम खरीदना आसान हो जाएंगे। इसके अलावा कंपनी ने देश का पहला डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी सॉल्यूशन भी पेश किया है, जो इमरजेंसी स्थितियों में डिजिटल पेमेंट की सुविधा प्रदान करेगा। प्रदेश के मौसम में बदलाव नजर आ रहे हैं। ठंड के आगमन के साथ ही तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। ठंड के आगमन के साथ ही एक बार फिर से बारिश की संभावना भी नजर आ रही है। आज प्रदेश में अधिकतर जगहों पर मौसम शुष्क रहने की बात की गई है, हालांकि एक या दो जगहों पर बारिश की भी संभावना है।
आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री रहने की संभावना है। कुख्यात परीक्षा माफिया संजीव मुखिया के आवास पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक मामले में पटना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई ने मंगलवार को छापेमारी की है। इस विशेष टीम में 10 सदस्य शामिल थे, जहां छापेमारी के दौरान टीम ने महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद की। जांच में पता चला कि संजीव मुखिया ने प्रति छात्र 40 लाख रुपए की रकम लेकर प्रश्न पत्र लीक किया था। एक प्रोफेसर ने मोबाइल के जरिए प्रश्न पत्र संजीव मुखिया को भेजा था। संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर कुमार, जो पीएमसीएच से एमबीबीएस है, वर्तमान में जेल में बंद है। संजीव मुखिया की पत्नी ममता कुमारी राजनीति में सक्रिय रह चुकी है। छापेमारी नूरसराय हॉर्टिकल्चर कॉलेज में भी की गई, जहां संजीव मुखिया तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत था। कुल 7 घंटे तक परीक्षा माफिया के घर और 2 घंटे तक कॉलेज में कागजातों की जाँच की गई। हालांकि परिवार के सदस्य इस मामले में बोलने से इनकार कर रहे हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड की जूनियर इंजीनियर भर्ती के अभ्यर्थी आज से अपना एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकेंगे। आरआरबी ने नोटिस जारी करते हुए बताया है कि आवेदन की जांच पूरी हो चुकी है और उम्मीदवार www.rrbapply.gov.in पर अपनी लॉगिन डिटेल्स का उपयोग कर आवेदन की स्थिति देख सकते हैं। स्थिति में 3 श्रेणियां होंगी, जिसमें प्रोविजनल रूप से स्वीकृत शर्तों के साथ प्रोविजनली स्वीकृत और खारिज कारण सहित बताए जाएंगे। आवेदन की स्थिति संबंधित मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेजी जाएगी। इस भर्ती के तहत रेलवे में 7,951 जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती होगी। चयन प्रक्रिया में फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज CBT डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण शामिल है। इससे संबंधित किसी तरह की समस्या होने पर आप 9590001188 और 01725633333 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में कई बड़े जाने माने नेताओं की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसमें विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव और मंत्री नीरज कुमार सिंह को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है, जबकि अररिया के सांसद प्रदीप सिंह और जदयू MLC संजय सिंह को Y श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। ये निर्णय बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से 21 अक्टूबर को पुलिस महानिदेशक को भेजे गए पत्र में लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा बढ़ाने का यह निर्णय राज्य सुरक्षा समिति की बैठक में किया गया। इससे पहले जदयू के संजय झा, मंत्री लेसी सिंह और विधायक अनिल कुमार को भी सुरक्षा दी गई थी। इसके साथ ही कई अन्य नेताओं जैसे भाजपा विधायक तारकिशोर प्रसाद की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे, जिसमें महागठबंधन NDA और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की चर्चा जोरों पर है। जनसुराज ने रामगढ़ सीट से सुशील कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, जिसकी घोषणा पार्टी अध्यक्ष मनोज भारती ने की। AIMIM ने बेलागंज से मोहम्मद जामीन अली और इमामगंज से कंचन पासवान को उम्मीदवार घोषित किया है। सुशील कुशवाहा एक जमीनी राजनीतिक कार्यकर्ता है, जिन्होंने भाजपा से राजनीति की शुरुआत की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बसपा के प्रत्याशी के रूप में 80,000 वोट हासिल किए थे और बसपा में प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं। प्रशांत किशोर ने पहले ही बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन, इमामगंज से डॉक्टर जितेंद्र पासवान और तरारी से जनरल SK सिंह को उम्मीदवार घोषित किया है। भारतीय क्रिकेट टीम का आगामी शेड्यूल बहुत बिजी रहने वाला है। फिलहाल टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में है, जिसमें 1 मैच हो चुके हैं और 2 शेष हैं। अंतिम टेस्ट 1 से 5 नवंबर तक मुंबई में होगा। इसके बाद टीम को साउथ अफ्रीका के दौरे पर जाना है, जहां उसे 4 T20 मैच खेलने हैं। T20 सीरीज का पहला मुकाबला 8 नवंबर को डरबन में होगा, जबकि अन्य मैच 10, 13 और 15 नवंबर को खेले जाएंगे। माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड सीरीज के खिलाड़ी इस सीरीज में नहीं होंगे। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में युवा खिलाड़ियों को मौका मिलने की संभावना है। आगे की योजना के लिए BCCI जल्द ही टीम का ऐलान कर सकता है। कई कानों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1764 में मीर कासिम बक्सर की लड़ाई में पराजित हुआ था। आज के दिन वर्ष 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की झांसी की रानी ब्रिगेड की सिंगापुर में स्थापना की थी। आज के दिन वर्ष 1998 में पाकिस्तान ने कश्मीर समस्या का समाधान आत्मनिर्णय से करने की मांग दोहराई थी। आज के दिन वर्ष 1778 में रानी चेन्नम्मा का जन्म हुआ था। ये कर्नाटक की वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानी थी। आज के दिन वर्ष 1898 में श्रमिक नेता खंडू भाई देसाई का जन्म हुआ था।
इंस्टाग्राम पर एक एडवर्टाइजमेंट सर्कुलेट हो रहा है जिसमें रोजगार से संबंधी कुछ दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही इसके श्रम मंत्रालय द्वारा जारी करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन आपको बता दें कि इसे श्रम मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किया गया है। ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह की खबरों पर विश्वास करने से बचें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को शेयर करते हुए फर्जी बताया है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? ऑप्शन ए है कगिसो रबाडा, ऑप्शन बी है जसप्रीत बुमराह, ऑप्शन सी है टीम साउदी, ऑप्शन डी है कुलदीप यादव। सर इसका सही उत्तर है कगिसो रबाडा। राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी है विजय किशोर राहतकर, ऑप्शन सी है नेहा सिन्हा, ऑप्शन डी है बांसुरी स्वराज। इसका सही उत्तर है विजय किशोर राहतकर। हाल ही में इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है मुकेश अंबानी, ऑप्शन बी है आदार पूनावाला, ऑप्शन सी है कुमार मंगलम, ऑप्शन डी है अभ्युदय जिंदल। इसका सही उत्तर है अभ्युदय जिंदल। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई? ऑप्शन ए 1950 ईस्वी, ऑप्शन बी 1955 ईस्वी, ऑप्शन सी 1960 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1965 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1965 ईस्वी। बिहार में एकमात्र बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ है? ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है गया, ऑप्शन डी है पूर्णिया। इसका सही उत्तर है मुंगेर। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है राम बाबू दास, अनामिका कुमारी, शिव शक्ति, रवि कुमार राम, पंकज कुमार, ओमकार सिंह, राजीव कुमार, चंदेश्वर यादव, रंजन कुमार, गौरव कुमार, वेद प्रकाश सिंह, धनंजय कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, विनय कुमार, संजय कुमार शर्मा, बाबूलाल मरांडी, काजल कुमारी, पुरुषोत्तम कुमार, भरत कुमार, रवि कुमार, रामनवमी मांझी, विनोद कुमार सिंह, गोलू कुमार यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, शिक्षकों की छुट्टियों में कटौती को लेकर काफी विवाद हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।